आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। अधिकारी ने कागज पर बनाया आवास और पैसा हजम, जानकारी होते ही सीडीओ ने शुरू की जांच। जनपद भदोही से एक बड़ा मामला प्रकाश में आया है, जहां एक तरफ जिलाधिकारी गौरांग राठी और नवागत मुख्य विकास अधिकारी यशवंत कुमार सिंह की अगुवाई में जिले में नए नए काम हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं और शासन की योजनाओं में गोलमाल जारी है। हालांकि ऐसे लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर जिलाधिकारी गौरांग राठी और मुख्य विकास अधिकारी यशवंत कुमार सिंह द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। आवास मामले में लीपापोती का एक अनोखा मामला विकासखंड ज्ञानपुर के बुसौला गांव से प्रकाश में आया है, जहां उक्त गांव निवासी नंदलाल यादव, जो कि ग्राम सभा के सदस्य भी हैं, ने मीडिया में बयान देते हुए बताया कि किसी दूसरे का घर दिखाकर निवर्तमान ग्राम सचिव लक्ष्मण यादव द्वारा लाभार्थी जयराजी देवी पति हरिशंकर की मिलीभगत से बगैर आवास बनाए तीनों किस्त निकाल ली गई और नियम को ताक पर रखकर सारा पैसा हजम कर गए। नियमानुसार संबंधित मामले में कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि जब संबंधित मामले में मुख्य विकास अधिकारी यशवंत कुमार सिंह को आकाश भूमि न्यूज की टीम द्वारा अवगत कराया गया, तो उन्होंने तत्काल संबंधित अधिकारियों को जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले में यदि आवश्यक जाँच हुई तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। हालांकि वास्तविक सच्चाई क्या है, क्या एक ही आवास में इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है या फिर और भी आवासों में कमियां हैं, यह तो जांच का विषय है। इस मामले में पूरी जानकारी आधिकारिक जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। जहां एक तरफ जिलाधिकारी गौरांग राठी लगातार भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीडीओ यशवंत कुमार सिंह भी लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों को बख्शने के मूड में नहीं है। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ विकास मिश्रा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नंदलाल यादव, ग्राम भुसौला। हमारे यहाँ हमारे ग्राम सभा में जयराजी देवी एक करके हैं, वो पति हरिशंकर यादव, उनका आवास पास हुआ, बगैर आवास एक ईंट भी नहीं रखा गया। वो माने कि सारा पैसा सेक्रेटरी और लाभार्थी दोनों मिल करके तीनों किस्त निकाल लिए। हमें जब मालूम हुआ, हम उस वार्ड का सदस्य भी हैं, तो इस पे हम कई एप्लीकेशन भी डाले, इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कहाँ कहाँ डाले? जिला अधिकारी के यहाँ, BDO के यहाँ। कोई सुनवाई नहीं हुई? और कोई सुनवाई सर नहीं हो रहा है। कब आवास पास हुआ था? 2022 में आया था। अच्छा, हाँ जी सर। कौन सेक्रेटरी था? लक्ष्मण यादव। दोनों लाभार्थी और सेक्रेटरी दोनों लोग पैसा निकाल के आपस में ये लोग बांट लिए, और इसका कोई माने कि बना नहीं, और कार्रवाई हो रही है तो लोग सब दबा दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है इस पर। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें WhatsApp भी कर सकते हैं।